30 सेकंड के एक मिनट की मतलब चाय वगैरह। DPS Senior Secondary School Tabiji लेकर आए हैं ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम प्री नर्सरी टू क्लास 12। 50% डिस्काउंट ऑन गर्ल्स फीस। ऑनलाइन एडमिशन ओपन, विजिट dpsajmer.in। कांग्रेस चीन के साथ अपने संबंधों को स्पष्ट करें। आज जिस प्रकार से राजस्थान के अंदर उन्होंने शहीदों के श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा, वह केवल जनता का असलियत से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार का नाटक किया जा रहा है, जो अजमेर में तो साफ नज़र आया कि केवल फ़ोटो खिंचाने के लिए किया गया, जिसको लेकर के आपस में नेता गुथम गुथम हो गए। और प्रदेश भर में भी कांग्रेस ने जिस प्रकार से जो भाषा बोल रही है, लगता है वो स्पष्ट चीन की भाषा है, हमारे सैनिकों का मनोबल गिराने वाला है। चाहे वो राहुल गांधी जी बोलें, चाहे प्रियंका गांधी बोलें, चाहे सोनिया गांधी बोलें, क्योंकि स्पष्ट करें कि कांग्रेस के को जो राजीव गांधी फाउंडेशन में, जिसमें ये तीनों नेता उसके सदस्य हैं, उनको $90 लाख किस क्यों मिले, किस कारण मिले। और दूसरा, इन्होंने 2008 के अंदर चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ एक MOU किया। आज तक दो देशों में तो MOU होता आया था, लेकिन कभी पार्टियों के अंदर MOU नहीं हुआ। तो कांग्रेस स्पष्ट करे कि MOU में क्या कहा गया था और ये $90 लाख क्यों लिए गए। कहीं यह तो ऐसा नहीं था कि वो अपनी भाषा जो आज बोल रहे हैं वह कहीं MOU में लिखी हुई थी, जिसके आधार पे आज वो भारत को कमज़ोर करके और चीन की भाषा बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। और इस प्रकार की भाषा से देश कमज़ोर होगा और आज हमारे को चीन की सेना को मुकाबला करने के लिए जिस प्रकार से भारतीय सैनिक वहाँ पर दिन रात एक किए हुए हैं, हमारा नेतृत्व इस प्रकार की रणनीति बना रहा है, वह इसमें इससे समय उनका मनोबल बढ़ाया जाना चाहिए। और ये चीन की समस्या कांग्रेस की देन है। 1962 में जिस समय नेहरू जी प्रथम प्रधानमंत्री राज कर रहे थे, उस समय चीन 43,000 वर्ग किलोमीटर ज़मीन को हट, और उसके बाद भी कांग्रेस की सरकार की नींद नहीं खुली। उन्होंने कभी उस ज़मीन को वापस लेने का कोई प्रयत्न नहीं किया, न ही सीमा पे कभी सड़कें बनाई, न ही कभी एयरपोर्ट बनाए, और इस कारण से वो बनी रही। और यह तो 2004 के उन्होंने इस चीन के कुटिलता को समझा और उन्होंने सड़कें और एयरपोर्ट बनाने शुरू किए, जिससे चीन बौखला गया और जिसके आधार पर हमारे सैनिकों नेहत्थे सैनिकों के साथ उन्होंने किया। लेकिन शहादत देते समय भी अपने से दुगनी संख्या में सैनिकों को मार करके ही अपनी शहादत दी। ऐसे सैनिकों को मैं नमन करता हूं। और साथ ही एक मुद्दा और, जो कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी, उनसे मेरा प्रश्न है कि जिस ओकलाम का मुद्दा समय चीनी दूतावास में ये चुपचाप मिलकर के चीनी नेताओं के साथ क्या बात, पहले तो उन्होंने इसका खंडन किया, लेकिन बाद में जब तस्वीरें सामने, एक तो डोकलाम के समय राहुल गांधी चीन के नेताओं के साथ बात करते, 8 में इनके साथ कांग्रेस पार्टी का पार्टी है उसके साथ इन्होंने MOU किया, तीसरा राजीव गांधी फाउंडेशन के अंदर 90 लाख रुपए लिए, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चीन के साथ इनका कोई गुप्त समझौता है, ताकि भारत को कमजोर करना इनकी शायद मंशा दिखती है, जिसको देश बर्दाश्त नहीं करेगा। और जनता सब देख रही है, समय आने पर जनता इसका स्पष्ट जवाब देगी।